तो गाइस हबीबगंज स्टेशन मतलब बहुत ही सुंदर भी है और डेवलप स्टेशन है। तो कैसे हैं आप लोग, हमेशा की तरह इस बार भी। तो गाइस हम शिवम को लेके आए जो स्टेशन घुमा नहीं, पहली बार आए हो और ट्रेन को देख सकता है। आज मैं लाइव मैं पहली बार ट्रेन देखी, ये ऐसा ट्रेन होता है, अब देख सकते हैं ट्रेन है। तो मालगाड़ी रुकने वाली है यहाँ पे। इतना लंबा ट्रेन मैंने लाइफ में पहली बार ट्रेन देख रहा हूँ सामने से भाई। और बताऊँ गांव भी नहीं है भाई, तो दो चार गांव मिला के इतना बड़ा ट्रेन बनेगा। आगे देख जब बैठूंगा तो कितनी है। तो गाइस हम जा रहे हैं भोपाल आज पेपर देने और यहाँ पे टिकट मिल नहीं रही है इमरजेंसी में। पता नहीं यहाँ के जो टिकट घर वाले वो भी क्या बोल रहे हैं पता नहीं, लेकिन ट्रेन में पकड़ेंगे तो फाइन भरना पड़ेगा। तो 100-200 तो भर सकता हूँ, हालांकि अपन ज़्यादा की उम्मीद करेंगे तो नहीं भरूँगा। और अभी इधर भीड़ भी चल रही है, तो जो होगा वो ट्रेन में देखने को मिलेगा। बाकी तो चैनल पर नए लोग हो तो लाइक शेयर कर देना, ट्रेन आने वाली है। तो चलो पहले बात करते हैं मैडम से। तो गाइस हम बैतूल से निकल चुके हैं और अब भोपाल के लिए जा रहे हैं। तो अभी चलो, अभी घोड़ा डोंगरी नहीं पहुँचे, अभी दारा को पहुँचने वाले हैं। तो चलो जंगल का नज़ारा देखते हैं। तो गाइस हम इटार से पहुँच गए अभी और ट्रेन पीछे खड़ी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल इस प्रकार का है इटार से का, मतलब अभी कोई ट्रेन व्रेन है नहीं हालाँकि। और जैसे कि 4-5 बज जाएंगे हमको भी पहुंचने को भोपाल। तो बाकी आधे दोस्त आगे है, बाकी मैं पीछे हूँ A4 में, बाकी D4 में। तो चलो मिलते हैं। और कहानी तो कहानी को पूरा देखना है तो कहानी का वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो गाइस हम होशंगाबाद पहुँच गए अभी और अभी आपको नर्मदा का सैर करवाते हैं हम। तो चलो चलते हैं नर्मदा की तरफ। ये देख सकते हैं होशंगाबाद सिटी। बुधनी जंगल हबीबगंज पहुंच चुका हूं मैं। और आप यहां देख सकते हैं मतलब भूमिगत वाला जो इंटर है, एग्जिट जो होता है वो यहां से हो रहा है। और आप देख सकते हैं मैं इधर का भी। तो गाइस आप देख सकते हैं मतलब डेवलपमेंट इसको बोलते हैं, ये हबीबगंज का है, क्या बोलते हैं इसको, भूमिगत जो जा रहे हैं अभी अरेरा कॉलोनी तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 1। बाकी इधर भी दिए हैं और ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ये बंसल ग्रुप के हाथ में है, अच्छा लग रहा है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं और बस कार है तो मामा लेने आ रहे हैं अभी। और थोड़ा सा चेहरा निकाल लेता हूँ। ये हबीबगंज का है,
नहीं नहीं आ रहा है। तो स्टेशन के बाहर हम आ गए हैं और ये स्टेशन का देख लो माहौल। और मेरे साथ में सरोज है, तो मैं सरोज को लेके आया हूँ धूप में। तो कोई नहीं, अभी दिखा देता हूँ आपको हबीजगंज। तो गाइस हबीजगंज स्टेशन मतलब बहुत ही सुंदर भी है और डेवलप स्टेशन है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का, मतलब हर स्टेशन में ऐसा हो जाना चाहिए। निकास वाली रास्ता अलग है, तो ये स्टेशन है। तो हे गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मामा की लड़की है, इसका नाम है, नाम क्या है, नायरा। यही है वो लड़की जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसके हम मस्ती करने वाले हैं, जो टाइम का है यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके साथ मैं इसको बता रहा है कि वो क्या है, ट्रिक क्या है, वो सब यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं। और अभी घड़ी में 8 बज रहे, 58 मिनट हो गया है, उसके बाद हम फोटो भी खींच लेते हैं। तो ये अभी